हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम शेंदा सिंह। रात के 2:45 बज रहे हैं और अभी मैं आज दिन भर पूजे पे थी। सॉरी टू से मैंने आज सुबह से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अभी मैं सोऊंगी तो नेचुरली सुबह 10-11 बजे तक उठूंगी क्योंकि अभी मेरे को सोते सोते 4 बजेगा। वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि इस वक्त मैं अपने कर्म में लगी हूँ, पूजा पाठ में लगी हूँ और मुझे पता है कि मेरी जीत 101% होगी। खुशखबरी यह है कि जितने भी मेरे ग्रुप वालों के थे लॉटरी के पैसे, उनको चले गए हैं। दूसरी खुशी यह है कि जितने भी मैंने शादी में जिन्हें जिन्हें चेक दिया था शादी के 30-30 हज़ार के, उन सारे चेक पास हो गए हैं, सारे बिल सब हो गए हैं। चलने वालों के मुंह पे बहुत बड़ी कालिक पुती है। अभी हम बुद्ध पूर्णिमा को अपने गोराई में बच्चों को बैग बांटने वाले थे, लेकिन मैं नहीं बांट रही हूँ क्योंकि हमारे डायरेक्टर ने, जो अभी मैं देखो संस्था से जुड़ी हूँ, तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि विद्या जी, आप ऐसी कोई गलती मत कीजिए, भले आप अपनी तरफ से करती हैं लेकिन सबकी आंखें पूरी आप पर हुई हैं क्योंकि अभी आपने काम किया है। जहाँ तक रही सर्टिफिकेट की बात, तो सारे बच्चों के पैसे उनको चले गए हैं, 30-30 हज़ार रुपये। देखिए, मेन तो आप लोग पैसों के लिए शादी करने आए थे, कितने थे इसमें कपल, शायद पैसों की वजह से ही शादी किए हैं, शायद हो सकते कितने लोग पहले से ही शादीशुदा हो, ज़बरदस्ती शादी किए कि उन्हें सर्टिफिकेट मिले। कोई बात नहीं, हमें उम्र से था, किया हमने, बाकी जिसकी करनी वैसी। एक आकाश करके था जिसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, उसका भी चेक आज पास हो गया, जिसके नाम से स्पेशल पूजा की। अब तुम्हारा चेक तो पास हो गया, अब तुमने जो हरकत की और तुमको जिसने लाया था शादी में हायर करके, भले वो मेरे पहले कपल थे शादी के, लेकिन उनको भी पूरी पूरी सज़ा मिलेगी क्योंकि गलत काम में साथ देना, गलत लोगों का साथ देना, उसे सज़ा पूरी मिलती है। कमीशन खाना सबसे बड़ा गलत काम है। कोई बात नहीं, मेरा काम था करना, मैंने कर दिया, लेकिन आगे मैंने सोचा कि अब आगे ऐसा कुछ भी मैं नहीं करूँगी। आगे मैं जब भी ऐसा कुछ करूँगी तो मुझे इतनी सीख तो इस शादी से मिली है कि जगह के, जैसे अभी हमें बुल्ढाना में दिलीप जाधव जी मिले थे जो जैविन समाज के बहुत बड़े आदमी थे, उनके साथ ऐसे बड़े लोगों के साथ मिलकर काम करूँगी। क्योंकि जब बड़े लोगों के साथ मिलकर काम करूँगी तो भले तुम लोगों को 6 महीने बाद पैसा मिलेगा, लेकिन तुम सब अपनी औकात में रह के काम करोगे, ऐसी बात है। बाकी तुम लोगों की औकात मुझे कैसे निकालने, मुझे बहुत अच्छी तरह आती है। जहाँ तक रही सर्टिफिकेट के बाद, सर्टिफिकेट अगले महीने जून या जुलाई में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी इलेक्शन है 4 जून तक, तो मुझे पूरा ध्यान 4 जून तक इलेक्शन में लगाना है। मुझे कोई नया काम नहीं करना है। मैं बुल्ढाना जाने वाली थी 16 तारीख को, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमारे डायरेक्टर तो आ रहे हैं 15 तारीख को, वो तो सर्टिफिकेट सब लेके आ रहे हैं क्योंकि वो मुझे डायरेक्टर बनाने आ रहे हैं। लेकिन तो भी उन्होंने कहा है कि विद्या जी, मैं आपको सर्टिफिकेट भले अप्रूव करवा दूंगा, लेकिन आप इलेक्शन के बाद ही जोड़ों को अप्रूव करो, क्योंकि 1.25 महीना रुकिए, क्योंकि इन लोगों ने, हो सकता है पैसों के लिए शादी की जाए, 1.25 महीने बाद इन्हें डायरेक्टली आप इनके एड्रेस पर कुरियर कीजिए, बुलाइए मत। इन्हें जो आधार कार्ड इन्होंने दिया है उस आधार कार्ड के एड्रेस पे ही जाना ज़रूरी है। अगर ये फ्रॉड होंगे और इन्होंने चिटिंग से आपसे शादी की होगी, आपके पास पैसों के लिए शादी की होगी, तो सीधा सीधा इन पे केस बनेगा। तो सीधी बात है, मेरा यूट्यूब सब देखते हैं, यूट्यूब के जरिए मैं मैसेज दे रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे टीच करने को देख रहे हैं, बहुत सारे मेरे अपने ही मुझे नीचे गिराने को देख रहे हैं। अरे बेवकूफ़ो, जो मुझे, जिन्होंने जना था ना, मुझे पैदा किया था ना, उनको भी लोगों ने रोड पे गिरा गिरा के मारा है। उन लोगों ने लोगों का इतना खाया था, मुझे मेरे बंगले से निकालते निकालते खुद के घर के बाहर दौड़ा दौड़ा के मार खाया, फिर भी तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मुझे जितनी तुम लोग तकलीफ में डालने की कोशिश करो ना, उतनी तुम लोग तकलीफ में आओगे। तुम सबकी माँ बैठी हुई इधर में, तुम लोग जितना बैठे बैठे प्लानिंग करते हो ना, इसको ऐसे बराबर करेंगे, इसको ऐसे बराबर करेंगे, तुम लोग मेरा झांटा भी नहीं उखाड़ पाओगे, ये याद रखना। पहली बात है कि मैं झांटे रखती ही नहीं हूँ, ऐसी बात है, मैं हर जगह सब कुछ अपना बड़ा क्लीन रखती हूँ, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जितना सुंदर मेरा चेहरा है ना, उतना सुंदर सब कुछ रहता है मेरा, ऐसी बात है। तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हें मेरा झांटा भी नहीं उखाड़ पाओगे। और एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारा जब उखाड़ने पर आऊँगी ना, तो तुम्हारा सब कुछ उखाड़ डालूंगी। अपनी औकात के अंदर रह के बात करना, तुम जैसे की औकात नहीं है, तुम जैसे की औकात सिर्फ इतनी है कि तुम जैसे लोग दूसरों की माँ बहन पे नज़र मार सको, तुम्हारे सामने कोई औरत नंगी हो जाए उसके साथ सो सको, तुम लोग के सामने कोई औरत आ भी जाएगी ना, मेरे को लगता है तुम्हारी खुद की सगी माँ जिसने तुम्हें जनी है ना, वो भी तुम्हारे सामने आके नंगी हो जाएगी ना, तो तुम उसके साथ भी सोने में पीछे नहीं हटोगे। तुम जैसे लोगों के कैरेक्टर उस तरह के हैं, ऐसा है, क्योंकि तुम्हारे में ईमान धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम लोग वो चीज़ भूल जाते हो कि तुम्हारे लिए किसी इंसान ने तकलीफ़ झेल के तुम लोगों को आगे बढ़ के तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है।
तुम लोग बल्कि जरा से एक गलती, अपनी गलती नहीं मानोगे लेकिन अपनी एक गलती छुपाने के लिए तुम सामने वाले से बदला लेने के तैयार हो जाते हो, बल्कि एक बात ये भूल जाते हो कि ये घर हमें हमेशा अनाज देने वाला है, ये घर से हमेशा हमेशा हमें चीज़ें मिलने वाली है। ऐसी बात है, जो लोग समझते हैं वो लोग मेरा घर कभी नहीं छोड़ते, उनको पता है कि ये घर हमारे लिए अन्नदान का घर है, लेकिन जो मुझे तकलीफ़ में डालने की कोशिश करते हैं वो ऑलमोस्ट तकलीफ में आते हैं। एक बात याद रखना कि जिस दिन पाप का घड़ा भरेगा ना, जिस दिन तुम लोगों ने अति कर दी ना, उस दिन मेरी शक्तियाँ अति कर देंगी, क्योंकि मुझे यहाँ आईनी अमलियत में सब दिखता है। मेरे सामने कितने भी प्यार से बात करो, कितना भी कुछ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना बरोबर सब कुछ देखती हूँ। मैं एक ही डायलॉग रखती हूँ, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। आप अगर मुझसे जुड़े हो तो आपको दो पैसे का फ़ायदा है, लेकिन अगर आप अपनी गर्दन अकड़ के चल रहे हो ना तो सर पे ठोकर लगी की बात पक्की है। तुम्हारे आने नहीं आने से जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ रहे, क्योंकि मेरे को किसी से कोई एक रुपये का फ़ायदा नहीं है। मैं जो भी हूँ इंडिपेंडेंट, इतनी रात को भी बैठ के पूजा कर रही हूँ ना, मेरे अंदर डेली का लाख रुपये कमाने का दम है, बैठे बैठे दिमाग से। मैं अपना शरीर कभी नहीं थकाती हूँ, मैं सिर्फ अपने दिमाग से बैठे बैठे लाख रुपए कमाने का दम रखती हूँ। तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ दिमाग से जिसके खाते हो उसी की बजाने को देखते हो, ऐसी बात है। तुम जैसे लोगों के, तुम लोग जिसका खाते हो ना उसी की गांड मारने को देखते हो, आता जाता कुछ नहीं है, उसके बाद में क्या मिलता है, नीचे गिरा। तो मैंने क्या बोला, मुझे जितना तुम लोग गिराने की कोशिश करोगे उतना तुम्हारे साथ बुरा होगा, ये लिख के लेना। और मेरी शक्तियाँ आज की तारीख में इतनी एक्टिव हो चुकी हैं कि मेरे से पहले वो जाके तुम्हें सज़ा दे देंगे। मैंने क्या कहा, जिसने मेरी स्टेपनी चुराई होगी गाड़ी की और जिसने मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की होगी, उसको भले मेरी स्टेपनी और मेरी शादी बिगाड़ने की कोशिश की है, उसको जल्दी सज़ा मिलेगी। मतलब कहते हैं ना, लाख रुपये का खर्चा तो उसका आएगा ही आएगा, ऐसी बात है। तो देख लेना, आपने 2-4 हज़ार की चीज़ सुराई, आपको लाख रुपये का खर्चा आएगा। आपको ये लगता है कि विद्या देवी हमारा क्या बिगाड़ लेगी, विद्या देवी तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ चुकी है, तुम लोगों को कहीं का नहीं छूटे तो भी तुम लोगों का घमंड नहीं जाता है। तो देखो, तुम जितना मेरे बारे में सोचोगे, जितना मेरे लिए बुरा करने को देखोगे, उतना तुम्हारे साथ हर पग पे बुरा होते चला जाएगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा, आजमा के देख लो। मैं ऐसी ही बैठी हूँ, मुझे अपने पूरा पूजा पाठ पे पूरा विश्वास है। शाम को 5:30 बजे से बैठी हूँ, अभी उठी हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत बात नोट में रखना, मेरे दिल में जगह बनाना, मेरे दिमाग में जगह गलती से मत बनाना, क्योंकि जिस दिन तुमने मेरे दिमाग में जगह बनाई ना, उस दिन तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कुमाता जैसी औरतों का हाल हुआ है, ये याद रखना। मैं ज़रा भी नहीं सोचूंगी आगे पीछे कि इस इंसान ने क्या किया, ये बात याद रखना। मैं सब कुछ भूल जाऊँगी, फिर चाहे मेरे लिए वो बाद में मुझे दुख हो, तकलीफ हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये याद रखना कि तुम लोग अगर तकलीफ़ में रहोगे तो तुम्हें बचाने के लिए मैं हूँ, लेकिन अगर तुम लोग ने मुझे तकलीफ़ दी और जब मैं तुम लोग को तकलीफ़ देने पे आऊँगी ना, तो तुमको बचाने के लिए ब्रह्मा को नीचे आना पड़ेगा, भगवान भी पीछे हट जाएंगे जब मैं सबसे आगे खड़ी रहूँगी, ये याद रखना, क्योंकि मैं खुद ही महाकाली का रूप हूँ। और जब माँ काली क्रोधित होती हैं तो अच्छे अच्छे असुरों का संहार करके रहती हैं, ये याद रखना। फिर जो होएगा उसकी गलती तुम्हारी, तुम लोग खुद भुगतोगे, क्योंकि किसी पे अगर दिक्कत आती तो विद्या देवी बचाने के लिए खड़ी रहती, लेकिन जब विद्या देवी खुद सज़ा देने के लिए खड़ी होती ना, तो किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं कि उसको बचा ले, ना कोई बड़ा पंडित, ना तांत्रिक, ना ओझा, ना कोई। कुछ पंडितों का तो अभी तक तबीयत खराब हो चुका है, जितने लोगों ने ये सब फालतूगिरी की है, तो मज़ा देखो, पता चलेगा धीरे धीरे। टेंशन मत, आज दूसरा दिन है, अभी तो 11 तारीख तक पूजा चालू है। जिसने मेरी शादी में अर्चन डाला है 11 तारीख को, उसके साथ क्या होगा तो ऊपर वाला जानता है। सज़ा मिलनी चालू हो गई है, आपने अगर मेरे साथ गलत किया है तो भगवान किसी न किसी तरह से आपका नुकसान करवाएगा। आप अगर मेरा 1 रुपया हराम का खाओगे ना, तो किसी न किसी तरह से भगवान वो आपका पैसा कहीं ना कहीं भरवाएगा, या दवाई में भरवाएगा, या कहीं ना भरवाएगा, या कहीं ना कहीं ऐसी जगह वो पैसा इन्वेस्ट करवाएगा कि आपको खुद में सोच में पड़ेंगे। लेकिन क्या करें, तुम लोग की फितरत ही वैसे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे अंदर, मतलब तुम्हारे माँ बाप को पता ना, तुम्हारी माँ को पता कि किन किन बापों के पास गई थी, कि कितने लोगों की नस्ल तुम्हारे अंदर है कि तुम्हारे साथ ऐसी रही, क्योंकि तुम लोग
कुत्ते की पूंछ हो, टेढ़ी की टेढ़ी रहोगे, कितना भी साल भर नली में डालो ना सुधरोगे नहीं। तुम लोग ये नहीं देखोगे कि सामने वाला हमारे लिए क्या कर रहा है, तुम लोग ये देख के चलोगे कि सामने वाला आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको नीचे कैसे गिरा है। अरे मर गए गिराने वाले, मुझे कुमाता जैसी हो को तो ऊपर पहुंचा दे, तुम जैसे हो कि क्या औकात है। करो तुम अपनी कोशिश करो, मैं अपनी करूँगी, देखते जीतता कौन है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं शांत बैठूँगी और मुझे जो करना है मैं यहाँ कर रही हूँ, बाकी का बात तुम देख लेना। क्योंकि हम जैसे पंडित अघोरी अगर एक बार किसी को दिल में बसा लिए तो राजा बनाने का दम रहते, लेकिन अगर एक बार दिमाग में बसा लिए ना तो तुमको ऊपर पहुंचाने का दम रखते, ये तो बात मान के चलो। तो फिर तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ तू उसमें लग जाएगी, उसको सुधारते सुधारते कोई सुधार नहीं पाएगा, ये लिख के लेना, ये मेरा वादा है। अगर मेरे पूजा पाठ का काट, मेरे मुठ का काट, अगर इस दुनिया का कोई भी पंडित ओझा पाठ कर दिया मेरा नाम, मेरी सिर्फ तस्वीर दिखा दो किसी भी पंडित ओझा को, वो इंसान खुद डर के पीछे हट जाएगा कि इस औरत के बीच में हमें नहीं आना है, क्योंकि इसके पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जिसका हम लोग बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, लगो कोशिश में, मैं अपनी कोशिश में लगती हूँ, बेस्ट ऑफ लक।